सो इज एंड वेलकम टू दिस वीडियो सो गाइज आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन टू भूसान थ्री सो ट्रेन टू भूसान थ्री एक अपकमिंग फिल्म होने वाली है जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में रिलीज़ होगी सो गाइज़ ट्रेन टू भूसान के डायरेक्टर्स और एक्टर्स को अभी कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई ट्रेन टू भूसान 2016 की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी माँ डोंग सौ किम सू आन चॉई वू हा सोही और किम यू संग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपो शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को ख़तरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ओक कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो so, ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहाँ यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so, गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉमेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड किम सू एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमेटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डॉर्ग थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो इससे आप यह अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू बुसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीनथ मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016' में रिलीज हुआ था और पेनसुओला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल ट्वेंटी ट्वेंटी में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषान के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स ज़िंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूँगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गैस ट्रेन टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू शेख हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन्स के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉकलब्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक व्यू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लॉस्ट्रोफ्रॉबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फ़िल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो so गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड किम सू एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डिया थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज हुआ था और पैनन्ला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गाइस ट्रेन टू भूसान 2016 की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू शेख हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से बुसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और बुसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन्स के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉक्लिप्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक व्यू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफ्रॉबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे योन सेंग हू और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सूग ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें यू जंग यू मी डोंग सेक खिम सू एन छियो वो शेख हैं सो री खिम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्यूंग डॉग थे इसे मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कम्पनी थी वो थी नेक्स्ट इंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी भी सेम नेक्स्ट इंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 98.5 एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो फिल्म जो ट्रेन टू बूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई टू थाउजेंड सिक्सटीन को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो सेवन अगस्त को फिल्म ने दो हज़ार सोलह की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने दस मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो फिल्म ने ट्रेन टू भूसान फिल्म सीरीज़ को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज़ हुआ था और पेनसोला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूषाण केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषान के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल 98 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली 2016 के 2026 के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई स्टेन टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी माँ डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉक्लब्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को ख़तरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ओक कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस प्रीन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यॉन सेंग हू और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो स्विग ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें यू जंग यू मी मैड सेम सेन छियो वो शेक हैन सोरी खिम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्यंग डॉग थे इसे मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज़ डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसकी जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 98.5 एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज़ हुआ था और पैनन्स वाला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है, यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सी जी आई वी एफ एक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वह मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के 2026 के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई ट्रेन टू भूसान टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूं तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूं तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉ किम श्यू आन चॉई वू हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फेबलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपोक्लिप्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को ख़तरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ओक कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सुआन आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो so, ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so, गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यॉन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड किम सू एन छियो वो शेख हैं सोरी किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डॉर्क थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज हुआ था और पैनन्ला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल ट्वेंटी ट्वेंटी में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू बुसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषान के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नए... लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई स्ट्रेन टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी माँ डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से बुसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और बुसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपो शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को ख़तरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक वू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉमेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने। इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड सेकम सू एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डिया थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो इससे आप यह अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू बुसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीनथ मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016' में रिलीज हुआ था और पेनसुओला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषान के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूँगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई स्टेन टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू शेख हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से बुसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और बुसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन्स के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉकलब्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक व्यू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फ़िल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो so गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड किम सु एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डिया थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज़ डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज हुआ था और पैनन्ला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई स्ट्रेंड टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू शेख हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से बुसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और बुसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन्स के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉक्लिप्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक व्यू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफ्रॉबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस प्रीन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे योन सेंग हू और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो स्विग ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें यू जंग यू मी मैड किम ऑक खिम सेन छो शेक हैं सोरी खिम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमामेटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्यंग डियोक थे इसे मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज़ डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसकी जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 98.5 एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप यह अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने दो हज़ार सोलह की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने दस मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज़ हुआ था और पैनन्स वाला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सी जी आई वी एफ एक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के 2026 के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई ट्रेन टू भूसान 2016 की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी माँ डोंग सौ किम सू आन चॉई वू हा सोही और किम यू संग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपो शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को ख़तरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ओक कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो so, ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहाँ यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so, गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉमेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने। इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड सेकम सू एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डिया थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो इससे आप यह अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू बुसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीनथ मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016' में रिलीज हुआ था और पेनसुओला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल ट्वेंटी ट्वेंटी में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषान के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स ज़िंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूँगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई स्टेन टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू शेख हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन्स के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉकलब्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक व्यू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फ़िल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो so गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड किम सु एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डिया थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज़ डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज हुआ था और पैनन्ला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का, का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कन्फर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नए... लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई स्ट्रेन टू भूसान टू की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी माँ डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपो शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को ख़तरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक वू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो तो गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉमेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड सेकम सू एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमेटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डॉर्ग थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो इससे आप यह अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू बुसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीनथ मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016' में रिलीज हुआ था और पेनसुओला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल ट्वेंटी ट्वेंटी में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषान के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सी जी आई वी एफ एक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली 2016 के 2026 के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता, ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गई ट्रेन टू भूसान टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी माँ डोंग सौ किम सुआन, आन चॉईबू शेख हा सोही और किम यू सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से भूसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और भूसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशंस के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपोक्लिप्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ओक कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सुआन आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो so, ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so, गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फ़िल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो so गाइस ट्रेन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे यन सेंग हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो सुक ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें गोंग यू जंग यू मी मैड किम सु एन छियो वो शेख हैं सोली किम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्योंग डिया थे से मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी 20 जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसके जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने नाइन्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने 2016 की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने 10 मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज हुआ था और पैनन्ला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज़ हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सीजीआई वीएफएक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल 98 मिलियन डॉलर्स का, का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली 2016 के 2026 के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लेकिन यह एक कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म होने के कारण इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो गाइस ट्रेन टू भूसान 2016 की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी डिस्क्लेमर मुझसे कोई गलती हो उससे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि मूवी के जो नेम्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो साउथ कोरियन हैं तो अगर गलती से मैं इनके नाम गलत बोल दूँ तो मैं आपसे इसके लिए अभी से ही क्षमा मांगता हूँ तो चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका नाम है ये वॉन सांग हो ने इसे डायरेक्ट किया था और इसमें गोंग यू जंग यू मी मा डोंग सॉक किम शू आन चॉई वू शेख हा सोही और किम यूई सुंग ने अपनी फैबुलस एक्टिंग इस मूवी में दिखाई है सो फिल्म की ज़्यादातर कहानी सियाल से बुसान तक ही होती है आपको बता दूँ सियाल और बुसान साउथ कोरिया के दो अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन्स के नेम हैं जब देश में अचानक जॉम्बी अपॉक्लिप्स शुरू हो जाता है और यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा होता है उसी पर यह कहानी बेस्ड है सो कहानी से ऑक व्यू कैरेक्टर पर आधारित है जिसे गोंग यू ने प्ले किया है जो एक वर्किंग फादर है और यह अपनी अलग हो चुकी बेटी सू आन के साथ भूसान के लिए ट्रेन में चढ़ता है सो ठीक उसी समय जब पूरे देश में जॉम्बी का डिज़ास्टर फैलना शुरू हो जाता है फिल्म लगभग पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन पर ही आधारित है जो एक क्लास्ट्रोफ्रॉबिक माहौल क्रिएट कर देती है जहां यात्रियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है सो so गाइज ये थी ट्रेन टू भूसान के बारे में थोड़ी सी लिटल इन्फॉर्मेशन लेकिन अब मैं इसको इसकी और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यह ट्रेन टू भूसान थ्री मूवी जो होने वाली है जो कि अपकमिंग फिल्म है यह कितनी फैंटास्टिक और फैबुलस होगी क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि आने वाले डायरेक्टर्स में क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं या फिर इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में हमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है सो गाइस प्रीन टू भूसान मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे योन सेंगह हु और इसे राइट किया था यानी लिखा था पार्क जो स्विग ने इसके जो स्टार एक्टर्स हैं उनमें यू जंग यू मी मैड से ऑक खिम सू एन छियो वो शेक हैं सोरी खिम यू सोंग ये सब रहे हैं इसके जो सिनेमाटोग्राफर थे वो वो थे ली ह्यंग डॉक थे इसे मेरा मतलब अभी भी है बाय द वे सो so, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो थी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी सेम नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसकी जो रिलीज़ डेट है वह थी ट्वेल्व ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन जो कि साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी इसका जो रन टाइम था हंड्रेड एंड एटीन मिनट्स का रहा था इस मूवी की जो मेन शूटिंग है वो भी साउथ कोरिया में ही हुई थी यह मूवी मेनली तो कोरियन लैंग्वेज में हुई थी लेकिन इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया जा चुका है सो so, इसकी जो बजट था वो एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इतने मिनिमम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 98.5 एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी सो so, इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह मूवी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी सो so, अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि यह मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी सो so, फिल्म जो ट्रेन टू भूसान थी उसका जो प्रीमियर था वो थर्टीन मई 2016 को कैनन फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था सो so, सेवन अगस्त को फिल्म ने दो हज़ार सोलह की पहली कोरियाई फिल्म के रूप में रिकॉर्ड बनाया जिसने दस मिलियन से अधिक थिएटर जाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ा था सो so, फिल्म ने ट्रेन टू बुसान फिल्म सीरीज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें एनिमेटेड प्रीक्वल सी स्टेशन 2016 में रिलीज़ हुआ था और पैनन्स वाला नामक एक स्टैंड ऑलन सीक्वल 2020 में रिलीज हुआ यानी कि इसका एक प्रीक्वल और एक सीक्वल दोनों अभी तक आ चुके हैं एक और जो है इसकी सीक्वल ही कह सकते हैं हम एक अमेरिकी निर्मित अनुकूलन भी विकास में है, यानी कि डेवलपमेंट में है कुल मिलाकर ट्रेन टू भूसान केवल एक जॉम्बी फिल्म से कहीं अधिक है यह हमें सेक्रीफाइज ह्यूमैनिटी और हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी रक्षा के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें इसी कहानी को फोकस में लेकर इस पर बात की गई थी सो ट्रेन टू भूषण के जो एक्शन सीक्वेंस हैं और जो जॉम्बी के जो सी जी आई वी एफ एक्स जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसीलिए इस मूवी ने टोटल नाइन्टी एट मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी किया था सो so, इसकी जो सेकंड और थर्ड मूवी आने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन के 2026 के आसपास ही रिलीज़ होगी इसके डायरेक्टर और एक्टर्स को कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवी आई थी उसके जो कैरेक्टर्स जिंदा बच गए थे उन्हीं को इसमें लिया जा सकता है और आगे इसके स्टोरी को बढ़ाया जा सकता है सो so, अब और इससे ज़्यादा तो इस मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ तब तक के लिए जय यूट्यूब जय नेक्स्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड